तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे नए कुकिंग चैनल वाले मैसेज करके पूछते कि अगर हम बड़े कुकिंग चैनल वाले का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में डाल देंगे तो क्या हमें भी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, हमारा भी वीडियो वायरल होगा? क्या ऐसा करने से हमारे वीडियो पर कोई प्रॉब्लम आएगा? क्या हमारे चैनल पर कोई प्रॉब्लम आएगा? कि हमें YouTube की तरफ से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ भरत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एक रेसिपी वीडियो है, हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला। तो अभी मान लो कि जो बड़े बड़े कुकिंग चैनल वाले, उन्होंने ऑलरेडी ये रेसिपी वीडियो बना लिए और उनके वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके। तो अभी दोस्तों, आपने भी वही रेसिपी पर वीडियो बना लिए, फेस वीडियो के साथ में या विदाउट फेस के साथ में, जो भी हो। तो बहुत सारे जन सोचते हैं कि हम भी जो बड़े कुकिंग चैनल वाले, उनका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में डाल देंगे तो हमें भी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि ये करने से सच में आपके वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी। तो इस रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। और किसी बड़े कुकिंग चैनल के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग अपने वीडियो में डालकर जितना उनको व्यूज मिला है, आपको भी उतना व्यूज मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी बात करते ऐसा करने से कि आपके चैनल पर कोई असर पड़ेगा कि आप किसी के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में डालोगे तो इससे आपके चैनल पर कोई असर पड़ेगा या फिर आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगी क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप किसी का भी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने वीडियो में डाल सकते हो, इससे आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं यही बोलूंगा कि आप वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंजेस करें ताकि जो YouTube का एल्गोरिदम है, आपके वीडियो को और ज्यादा बूस्ट करे। लेकिन आप पूरा भी कॉपी पेस्ट करके अपने वीडियो पे डाल दोगे तो भी उससे कोई प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं है। पर हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको टाइटल पूरा कॉपी करना नहीं चाहिए। जो नए कुकिंग चैनल वाले मोस्टली यही गलती कर लेते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल के तौर से बता दूं, जैसे कि बड़े कुकिंग चैनल वाले अपना टाइटल डाला है हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला बाय कविताज किचन। जो नए कुकिंग चैनल वाले, वो पूरा टाइटल कॉपी करके अपने वीडियो में डाल देते, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको टाइटल कॉपी कर रहे हो तो बस इतना डाले हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला, किसी और के चैनल का नाम अपने टाइटल में ना डाले। तो दोस्तों, फाइनली आप किसी का भी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में डाल सकते हो, बस आप किसी के चैनल का नाम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन में ना डाले। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिलेगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सयोनारा।